नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साइंस चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। दर्शकों, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये कोई फ्रेम या पेंटिंग नहीं है। आज का जो एक्सपीरियंस है इसी फ्रेम जो भी बोल सकते हैं आप उससे रिलेटेड है। तो एक्चुअली मैं बता दूं आपको, ये फ्रेम नहीं है। इस फ्रेम के अंदर जो आप देख रहे हैं वो है एक शिरडी साई बाबा की फोटो के साथ एक सिल्क वाली शॉल। जी हाँ, ये शॉल है जो मैंने फ्रेम के अंदर इसको डाल के इसकी फ्रेम बनाई हुई है। ये मुझे और पंकज को, हम लोग जब हांगकांग में रहते थे तभी हम लोगों की एनिवर्सरी पे जो है वहां के जो हांगकांग टेंपल के ओनर्स हैं उन्होंने हमको भेंट में दी थी। तब से मेरे दिमाग में विचार चल रहा था कि इतनी प्यारी शॉल है तो इसका मैं क्या करूं। तो दर्शकों, आज का जो एक्सपीरियंस है वो इसी शॉल से रिलेटेड है। और एक्चुअली ये जो फ्रेम बनी हुई है ये पीछे जो है इसकी स्पेस में ढूंढ रही थी, कैसे मेरे दिमाग में आया कि इसकी जो है हम फ्रेम करें एंड एक्सेट्रा। तो हम लोग पहले हांगकांग में रहते हैं, बेबी डिलीवरी के लिए हम लोग इंडिया आए। विद बाबाज ब्लेसिंग्स ऐसा हुआ कि पंकज का वर्क फ्रॉम होम होने लग गया, तो हम लोग अभी फिलहाल इंडिया में ही है। और यहाँ पे हम लोग जो है घर रेंट पे ढूंढ रहे थे। इसकी भी एक अलग कहानी है, अलग ही एक्सपीरियंस है घर का। तो ये जो भी घर है रेंट पे, रेंट का घर है, बहुत ही अच्छा है। तो ये इतना स्पेशियस होने के कारण जो है अचानक ही दो तीन दिन बाद जो है मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शॉल को तो मैं ऐसे ही यूं ही नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही पड़े पड़े रखूंगी तो वो खराब हो जाएगी। और पहले मैंने सोचा कि जब अपना खुद का घर होगा तो तभी जो है उसको मैं लगाऊंगी, बट मैंने बोला नहीं, वी डोंट नो कि मतलब वो टाइम कब आने वाला है, कब हमारा घर होगा, कब हम लोग जो है शॉल की फ्रेम बनाएंगे और लगाएंगे। तो मुझसे रहा नहीं गया और जो है शॉल को मैं हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ। तो यहाँ पे भी जब हम लोग आए इंडिया में तो मैं उसे साथ में लेके आई जिस सिटी में है हम लोग। तो बाद में मेरे ख्याल आया कि चलो ये स्पेशियस घर है तो यहाँ पे जो है काफी सारी जगह है, तो इसको जो है मैं यहीं पे कहीं तो लगाऊंगी। यहाँ पे दो तीन प्लेसेस ऐसे हैं घर में जहां पे मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे लगाई जा सकती है, वहां पे लगाई जा सकती है। बट वो बोलते हैं ना कि बाबा को जहां स्थापित होना है, रहना है, वो वहीं पे ही आते हैं। तो अपने आप ही जो है वो प्लेसेस चेंज होती रही और फाइनली मैंने डिसाइड करा कि हाँ ड्रॉइंग रूम मतलब कि हॉल में जो है ये फ्रेम हम लोग यहाँ पे ही लगाएंगे। अब सेकेंड सवाल आया कि ठीक है ये तो हमारी सोच होगी, बट क्या ये ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि शॉल को जो है इतनी बड़ी पूरी हम लोग फ्रेम बनाएंगे। और एक तो अपना घर भी नहीं है तो वॉल्स को जो है हमें डैमेज बिल्कुल भी नहीं करना है, सो हाउ कैन वी डू दैट कि मतलब वो लाइट वेट भी बने और अच्छे से वहां पे आ भी जाए। वैसे हमारे ओनर्स टचवुड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ऐसे कोई चीज को मना बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने उन्हें थोड़ा बताया ऐसे से, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाओ, आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो सेकेंड जो है सर्च हुआ कि अभी देखते हैं कि ये चीज जो है कौन कर सकता है। तो देखिए, जब हम लोग आए थे तो कुछ महीने बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था कि चलो फटाफट हमें जो है ये फ्रेम लगानी है, तो लेट सर्च कि कौन ये कर सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, दो तीन जगहों पे मतलब जब से हम आए थे तब से हम लोग देख रहे थे कि हाँ कहाँ पे ये दिया जाए, कहाँ पे ये लोग ठीक कर सकते हैं, बट कोई ना कोई रीजन की वजह से वो चीज हो नहीं रही थी। तो इसका जो आंसर है मुझे बाद में पता चला, यूं कि बाबा को कौन से शुभ मुहूर्त या कौन से दिन पे जो है घर पे आना है। ठीक है, तो गुड़ी पाड़वा था, इस साल का जो गुड़ी पाड़वा था उसके कुछ ही दिन पहले ऐसा हुआ कि हम लोग को एग्जैक्टली जैसी शॉप चाहिए थी वैसी हमें मिल गई। उन लोगों से हम लोगों ने सारा पूरा डिस्कस करा कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। कुछ कुछ चीजें भी थी शॉल पे जो है लाइन्स पड़ी हुई थी कुछ वगैरह, तो फोल्डिंग्स थी तो वो अच्छी नहीं दिखती, तो उसको प्रेस करना एंड एवरीथिंग, वो सारा सब कुछ लेट मी टेल यू मतलब पूरा का पूरा जो है काम, मतलब बोलते हैं ना जब कोई चीज होने वाली होती है, जब बाबा का भी साथ होता है तो सारी सभी चीजें फटाफट से होने लग जाती है। सेम हम लोगों के साथ वही हुआ, इतने महीनों से कुछ नहीं हो रहा था, एग्जैक्टली 4-5 दिन के पहले शॉप मिलने के बाद हम लोगों को जो है चीजें फटाफट होने लग गई। तो एक दिन में वो जो है सारा सब कुछ काम हो गया और फिर वो भैया ने बोला शॉप वाले कि अच्छा ठीक है कुछ ही दिनों में आपको जो है शॉल मिल जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, तभी तक के हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही मैंने कोई एक्सपेक्टेशन रखी थी या सोचा था कि अरे गुड़ी पाड़वा आ रहा है या फिर गुड़ी पाड़वा वाले दिन ही जो है बाबा आने चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में।
और बस उन्होंने बोला 4-5 दिन में हो जाएगा, और गुड़ी पड़वा था कुछ उसी टाइम के बीच में। तो एक दिन उनका फोन आता है, बोलते हैं कि आज शाम तक जो है आपके यहाँ पे फ्रेम आ जाएगी, तो मैं यहाँ से भिजवा देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग को एकदम से याद आया कि अरे ये तो कल आ रही है, मतलब कल तो गुड़ी पड़वा है, तो ये तो बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है, तो डेफिनेटली हम तो बहुत ही हैप्पी हो गए कि हम लोग के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। एंड इट वॉज बाबाज ब्लेसिंग आप बोल सकते हैं, या फिर उनकी मदद से उनको जिस दिन आना है वो उसी दिन पे, अच्छे दिन पे, शुभ दिन पे आए। तो कुछ नहीं, बस अगले पहले दिन शाम में जो है फ्रेम आ गई, हम लोगों ने ओपन करी, बस रख दिया। और मेन जब गुड़ी पड़वा वाले दिन था तो उस दिन जो है हम लोगों ने बाबा को जो है वॉल पे स्थापित कर दिया। मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने ना उसका वीडियो भी डाल के रखा है कि कैसे दिन पे जो है बाबा हमारे यहाँ पे घर पे आए। और ये एग्जैक्ट बहुत ही अच्छी और बोलते हैं ना वो डायरेक्शन वाइज भी एकदम परफेक्ट प्लेस है ये। तो ये बाबा ने बहुत ही सोच समझ के जो है एकदम से अपनी प्लेस चुनी है, बिल्कुल सारी सभी चीजें। बस मैंने एक चीज दिमाग में लाई कि बाबा आपको बाहर निकालना है, आपकी फ्रेम करानी है, कहाँ लगाओ नहीं पता। बाबा ने सारी सभी चीजें जब राइट टाइम होता है तभी सारी सभी चीजें बाबा करते हैं, और उसी टाइम पे जो है बाबा यहाँ पे जो है विराजमान हो गए। तो दर्शकों, इस एक्सपीरियंस से हमें और एक चीज ये भी पता चलती है कि कभी भी आप कोई भी सोच में हो या दुविधा में हो कि बाबा ऐसे से करना है, बस अपना ना आप मन या फिर बस वो प्रे करके आप बाबा के चरणों में डाल दो और उनको बोलो कि बाबा ऐसा ऐसा चीज है, ऐसे ऐसे मुझे करना है, अब आगे कैसे करना है, क्या करना है, कब होने वाला है, ये सारा सब कुछ सद्बुद्धि आप ही कराइए, हमें सारा सब कुछ जो है हमारे दिमाग में आप ही सारा सब कुछ डालिए। ट्रस्ट मी, आप सिर्फ प्रे करके बाबा जो है सारा सब कुछ अपने आप ही आपके दिमाग में पूरे ख्याल डालते हैं। और होता मतलब हमें ऐसे लगता है कि ये हमें ख्याल आया, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। जब आप बाबा को प्रे कर देते हैं कोई चीज के लिए तो बाबा इतनी शिद्दत से आपकी जो इच्छा पूरी करने में जो है वो पूरे लग जाते हैं। तो वो एक्चुअली बाबा के ख्याल होते हैं, बाबा खुद आपको बताते हैं कि आगे जो है आपको क्या कैसे और कब करना है, सारा सब कुछ बाबा आपसे करवा लेते। तो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव फेथ, अनशेकेबल फेथ इन बाबा, और बस उनके चरणों में जो भी है आपकी सारी सभी इच्छाएं आप बस उनके चरणों में डाल दीजिए और उनको दिल से जो है प्रे करिए। दर्शकों, मैंने एक इंस्टाग्राम पे अपना एक न्यू अकाउंट ओपन करा है जो साई बाबा के रिलेटेड ही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसमें आपके जो भी सवाल होंगे उसके मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप सबको जो है उसके आंसर्स मिल सके। तो आप जाके उसे देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो फॉलो भी कर लीजिएगा, आपको आंसर्स आपके सवाल के मिलते रहेंगे वहाँ पर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके आगे भी वीडियोस रेगुलर भी आती रहेंगी, बट आप कनेक्टेड रहिएगा और एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, बिकॉज ये तो एक एक्सपीरियंस हो गया, बट तुरंत ही जब हमने ये फ्रेम लगा ली उसके बाद जो है इस फ्रेम से रिलेटेड इतनी अद्भुत मिरेकुलस एक्सपीरियंसेस आए मैं आपको नहीं बता सकती। तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू वन बाय वन, तो आप कनेक्टेड रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे विद अ न्यू एक्सपीरियंस। ओम साई राम।